The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। करवा चौथ यानी कि वो पावन त्योहार जिस दिन सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। महिलाएं ना सिर्फ व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, बल्कि आने वाले 7 जन्मों तक इस पवित्र रिश्ते को निभाने के लिए कसम भी खाती हैं। इस मौके पर पूरे देश भर में करवा चौथ के पावन त्योहार को लेकर धूम का माहौल है, तो वहीं मेरठ भी इससे अछूता नहीं है। मेरठ जिला कारागार में बंद महिला बंदियों के लिए जिला कारागार के द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक राकेश मंडे का कहना है कि मेरठ जिला कारागार में करीब 140 महिला बंदी हैं, जिनमें से 45 महिला बंदियों के द्वारा करवा चौथ का व्रत रखा गया है। इन महिला बंदियों के लिए जेल प्रशासन के द्वारा व्रत खोलने से लेकर 4 श्रृंगार तक के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जेल प्रशासन के द्वारा जेल में निरुद्ध महिला बंदियों को चांद के दीदार होने के बाद पतियों के दीदार कराने के लिए भी विशेष इंतजाम किया गया है। साथ ही जेल प्रशासन के द्वारा व्रत खोलने के बाद बाकायदा मुंह मीठा करने के लिए हलवे तक का इंतजाम किया गया है, जो कि ना सिर्फ करवा चौथ रखने वाली महिला बंदियों को दिया जाएगा, बल्कि सभी महिला बंदियों को विशेष रूप से तैयार किया गया भोजन दिया जाएगा। रायपुर प्रकाश जांगीर प्रशासन का ये कदम सराहनीय है, जिसके चलते जेल में निरुद्ध महिला बंदियों में इस पावन त्योहार पर खुशी का माहौल है। जेल अधीक्षक राकेश ने दी ये जानकारी। देखिए रिपोर्ट। आज जिला कारागार मेरठ में महिला बंदियों के लिए करवा चौथ का विशेष आयोजन किया गया है। 140 महिलाओं में से 47 महिलाएं आज करवा चौथ का व्रत रखे हुए हैं। उनको कारागार प्रशासन की तरफ से नए वस्त्र, जो सूट पहनती वो सूट, और जिनके लिए साड़ी है तो साड़ी, और श्रृंगार का सामान, पूजन सामग्री सभी उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ साथ जो व्रत खोलने का है वो भी कराया गया है। व्रत की पूरी व्यवस्था की गई है। सायंकाल इन लोगों को जब चांद के दीदार होंगे तो अपने पतियों से चांद का दीदार कराते हुए व्रत खोलने का आयोजन किया गया है सभी महिलाओं के लिए। इसके बाद महिलाएं जब व्रत खोलेंगी तब उन्हें कारागार में बंद किया जाएगा। महिलाओं को जो भोजन सामग्री है वो हलवा, पूरी, सब्जी, खीर और कढ़ी इत्यादि की व्यवस्था की गई है। ये व्रत खोलेंगी इससे, और समस्त महिलाएं, ये व्यवस्था सभी महिलाओं के लिए है, कोई ऐसा नहीं कि खाली व्रत की महिलाओं के लिए है, समस्त महिलाओं के लिए व्यवस्था कर दी गई है। विशेष करके जो व्रत रहेंगी उन महिलाओं के लिए जो व्रत खोलने का की व्यवस्था की गई है, वो मिष्ठान का वितरण उनको करा दिया गया है। जो ये तो उन्हीं महिलाओं का व्रत है जो सधमा होती हैं, जो शादीशुदा होती हैं, उनके लिए पूरी श्रृंगार सामग्री एक किट दी गई है, और सभी महिलाएं जो हाथों में रंग रोगन करती हैं, मेहंदी वगैरह रचती हैं, वो सब पूरा इंतजाम किया गया है। सभी महिलाएं आपस में मेहंदी लगाए हुए हैं और पूरा श्रृंगार सामग्री बिल्कुल तैयार है। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।